आई नमस्ते गोइंग टू सूरत और तबीयत भी खराब कर रही है। सुबह हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ सूरत। अभी तबीयत बेटर है और पीछे मेरे मामू है तो मैं उनके घर पर आई हुई हूँ। यहाँ से जाऊँगी तो अभी सबसे पहले मैं जा रही हूँ मिठाइयाँ लेने, तो चलिए चलते हैं। अभी मैं आ चुकी हूँ मिठाई की शॉप पे और मिठाई तो पीछे से ही देखनी पड़ेगी ना यार, ऐसे तो देखेगी नहीं। चलो तो दिखाती हूँ। और मैं हर टाइम यहीं से मिठाई लेती हूँ और केक भी बहुत टाइम मैंने ऑर्डर किया हुआ है, बट अभी तो यहाँ रहना नहीं होता तो नहीं आ पाती, तो चलिए चलते हैं अंदर। और मोहन की मिठाई सूरत में भी बहुत उसकी ब्रांच है और यहाँ पर भी मिल जाती है। तो ये जो बेकरी है यहाँ पर आपको बिस्किट्स मिठाई केक सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो जाती है, आप ऑर्डर्स भी बना सकते हो। तो मोस्ट विजिट इन शिवाले बेकरी। मिठाइयाँ ले जा चुकी है और बाहर देखो बारिश, तो बारिश हो चुकी है, अब क्या करें यार, कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे रुकने का। तो चलिए फ्लावर्स ले लेते तब तक। प्रिपरेशन हो चुकी है और मम्मी और भाई दोनों भी आ चुके हैं और देख सकते हो ये सभी भी बैठे हुए हैं, मामा है, मामी है, पा है, वो सारे लोग आ चुके हैं और अब जल्दी से राखी का कार्यक्रम भी हमारा शुरू हो जाएगा। तो चलिए दिखाती हूँ और क्या देख लो यार, चलो ऊंचा कर दिया करेंगे। મારા ભાઈ નું મગજ એવું જ છે એટલે હું ચાલે ચાલુ કરવાનું છે કે ચાલુ છે उसके बाद है ये फोटो स्टेशन का टाइम चालू हो गया है और सब मेरी मस्ती मस्ती। के बाद सूरत का फेमस वाटीदार का खमन और ये वाली चीज है सूरत का फेमस लोचा, इसके ऊपर डाली जाती है ये सेव प्याज और ये चटनी। तो जिसको जिसको लोचे नहीं कहते वो खाए लो। तो अभी जा रहे हैं दूसरे घर को, ये और उनकी बातचीत चालू है कि नीम पत्ता लेके आई थी मम्मी तो उसके बारे में और ये थाली, और चले चलते हैं।
जो आखिर खाली चाहिए देखो ये
ऐसा प्रूफ देखो, यहाँ पर प्रूफ भी रखते हैं ये लोग। तो ये दाल तो उसके बाद मैं तीसरे मामा के घर चली गई थी, बट रास्ते में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मैं सो गई थी और मुझे कुछ शूट करने का याद नहीं रहा। फिर मैंने डायरेक्टली ये अक्की बांधते हुए शूट किया है और आप मेरी आवाज़ भी सुन सकते हो अभी की कैसी हो रही है। और हाँ, ये मेरी बहन है, भाभी नहीं है। फिर भी मैंने मुझे लगा कि चलो इसको भी बांध देते हैं, ये मेरी प्यारी सी क्यूट सी छोटी सिस्टर है, तो मैंने उसको भी राखी बांध दी। हो चुका है, उसके बाद कल कुछ शूटिंग नहीं कर पाई मैं। उसके बाद हमने नाश्ता भी किया, पर मैं सो गई थी, दो एक आध दो घंटे के लिए तो मैं सो ही गई थी। साथ साथ में मैं अपने चश्मे भी भूल गई तो मैं थोड़ी अंधी हो गई। और उसके बाद आने के बाद हमने सिंपल सा खिचड़ी और कढ़ी खाया और कुछ नहीं खाया था। और तबीयत बहुत ज़्यादा लियो थी और इसके चलते मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। आप मेरी आवाज़ भी देख सकते हो, जा चुकी है वो, मुझे छोड़ के अब जा चुकी है। थोड़े दिन के बाद वो अब आएगी, ऐसा लगता है कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा बीमार हो, पर मुझे कब्ज हो चुके हैं। तो अब क्या यार, वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, चैनल को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाकी के वीडियो देखिए। बाय बाय।